पश्चिमबंग जलपाईगुड़ी में प्रकृतिर तांडव गत काली कालबैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होई शह शह घर भांगी जाता बेले अनेक घर छप्पर उड़ी जाई घूर्णिझड़ प्रभाव एत अधिक चाहू चाहू अनेक घर भांगी जाता वर्तमान सुधा घूर्णिझड़ पांच जन मृत्यु होता बेले शहे अधिक जन आहत होती विभिन्न स्थान में गच भांगी जा भंगा गच ते बैक् पड़ रही देखा मिली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटना को नहीं दुख प्रकाश करने सहित सरकारी अधिकारी सहित कथा होती एजावत पांच जन मृत्यु होहे अधिक आहत होती पश्चिमबंग जलपाईगुड़ी में प्रकृतिर तांडव देखा मिली गत काली कालबैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होती शह शह घर भांगी जाता बेले अनेक घर छप्पर उड़ी जाती घूर्णिझड़ प्रभाव एत अधिक चाहू चाहू अनेक घर भांगी जाता वर्तमान सुधा घूर्णिझड़ में पांच जन मृत्यु होता बेले शहे अधिक जन आहत होती विभिन्न स्थान में गच भांगी जा भंगा गच ते बैक् पड़ रही देखा मिली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटना को दुख प्रकाश करने सहित सरकारी अधिकारी सहित कथा होती ये आया है तूफान आया था जो इसके कारण जो आदमी लोग घायल हुआ है दो आदमी मर चुका है और 48 आदमी है 48 आदमी मिलके अभी एडमिशन हुआ है घायल हुआ है और बच्चा है कुछ दो एक बच्चा भी है छोटा बच्चा भी है अचानक से जोर से हवा आया उसके बाद जितना झड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया है एक आदमी इधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ सब होटल पूरा होटल एकदम खत्म हो गया घर बारी तो 15-20 लाख तो हो गई उस तो होटल में ही था क्या देखा अरे अचानक ऐसा आंधी आया माने हम तो डर के मारे पूरा उधर में चिपक के दीवार के तरह चिपक के खड़ा रहा देख रहा है ऊपर से तो पूरा जितना हमारा तो टीना उना है सब कुछ उड़ के जा रहा है ऐसे बहुत जो नुकसान हुआ जितना मकान था मकान ढह गया और बहुत सारे कैजुअलिटी हुआ हुआ है यहाँ पे अब तक हॉस्पिटल में 57 आदमी एडमिट हो चुके हैं दो आदमी लाते हुए मर चुके हैं उनके ऊपर पेड़ गिर गए थे और मृतक की संख्या और बढ़ने वाले की आशंका की जा रही है और कैजुअलिटी अभी भी रास्ते में है ऑन द वे वो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में अभी उद्धार का चल रहा है वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब जगह लगे हुए हैं और उन लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल में करें वो दोनों का नाम डेड मौत हो गया जो डेड हुए उनका नाम है अनिमा बर्मन और जितेंद्र नारायण सरकार मैंने एमन धरण झड़ মানে মানে পাহাড় ভেঙে আসতেছে কখন হয়েছিল তিনটা সাড়ে তিনটা তারপর কি হলো কি দেখলেন মানে ঘর টোট একদম ভেঙে টেঙে একদম মানে চৌড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদম দরজার সামনে একদম মানে ভেঙে টেঙে একদম মানে जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।